भाई बहुत ही शानदार धांसू एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला। सलमान खान की एंट्री हुई थी ज़बरदस्त फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में एसआरके की एंट्री तूफान मचा दिया। उस एंट्री ने पूरी तरीके से, मतलब आपको मैं बताऊं, इतना गजब का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला वहाँ पे। शाहरुख खान की एंट्री बहुत बेहतरीन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट पूरे टाइगर 3 का। हालांकि टाइगर 3 इतनी गजब की फिल्म थी, इतनी गजब की फिल्म रही, इतने एक्शन सीक्वेंसेस और हर एक एक मोमेंट इतना जबरदस्त, इंक्लूडिंग इमरान हाशमी के मोमेंट्स भी। लेकिन क्या जबरदस्त मतलब देखने को मिली एसआरके की एंट्री, कि वो आते हैं और वो मतलब वो किले जैसी जगह पे जो है हम उसको देखते हैं, वहाँ पे वो 12-15 लोगों की फोर्स है पूरी की पूरी, उन लोगों ने घेर रखा है पूरी फोर्स ने, और शाहरुख सलमान खान खड़े हुए हैं अकेले सामने, और फिर एकदम से वो गोला आता है और वो उनके सामने रहता है और उस पर झूमे जो पठान सॉन्ग बजने लगता है, और फिर ऑडियंस में बहुत वहीं चेयर होने लग गया कि भाई अब तो पूरी तरीके से आ रहे हैं। सीटियाँ वीटियाँ तालियाँ वालियाँ सब भयंकर बजने लग गई, क्योंकि अब तो तय हो गया कि भाई शाहरुख खान की एंट्री हो रही है। लेकिन उसके बाद आप देखें तो क्या एंट्री होती है, फिर आपको देखने को मिलता है शाहरुख खान ऊपर हाथ से आते हैं ऐसे, और फिर ऐसा लटक के वो गोलियां चलाते धड़धड़ धड़धड़ धड़, बहुत ही गजब का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। एंट्री वगैरह भी सीन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखें फिर वो दोनों साथ में रहते हैं और फिर वो उसको पकड़ के लेके जाते हैं साथ में, और फिर वो दोनों जो वो बग्गी जैसी क्या गाड़ी रहती है उस पर दोनों आगे जाते हैं, और एक्शन सीक्वेंस दोनों का इतना गजब का देखने को मिलता है, इतना बेहतरीन देखने को मिलता है, अनबिलीवेबल कि आप मतलब पूरी तरीके से खो जाओगे एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर। मतलब शाहरुख खान की एंट्री वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, और लिटरली मतलब टॉप 2-3 मोमेंट जैसे आप कहोगे ना वो शाहरुख खान के एंट्री वाले मोमेंट्स में है। मज़ा आ गया देख के, और कैटरीना कैफ का भी वो एक्शन सीक्वेंस जो है बहुत बेहतरीन लगा मेरे को भी। टॉवेल वाला एक्शन सीक्वेंस था वो बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया, मतलब सिर्फ मैं टॉवेल वॉवेल की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली वो एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया। कैटरीना कैफ की सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आपको याद रहेगी एक्शन में तो वही वाला सीन याद रहेगा, कि एक्शन सीक्वेंस वो बहुत बेहतरीन है, मज़ा आ गया देख के, बिल्कुल मिस मत करो। मतलब शाहरुख खान की एंट्री, सलमान खान दोनों साथ में एक साथ एक ही जगह एंजॉय करने को मिल रहा है लिटरली पठान के बाद, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अब सीधे 2025 में टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल जाके देखो, लिटरली मिस मत करना।